मैंने दुनिया में बहुत हिपोक्रेट्स देखे हैं, लेकिन बॉलीवुड जैसे हिपोक्रेट्स नहीं देखा। और जो अपने इंडस्ट्री सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट लोगों का इज्जत नहीं कर सकता बॉलीवुड, इससे मुझे बहुत चिढ़ है, एक्चुअली में चिढ़ है। आज लता मंगेशकर जो इस दिन नहीं रही है, उसके लोग खुले आप बेइज्जती करते हैं, खुले आप बेइज्जती करते हैं, पूछो कैसे। कोई भी रहा चला सिंगर आज कल, कोई भी रहा चला सिंगर आ गया वायरल हो गया, जब छोटा मोटा कोई गाना गा दिया, ये लोग बोलते हैं कि लता जी से भी अच्छी आवाज़ है, कैसे है बताओ थोड़ा कैसे है। ले आओ उस मंडल जी को, ले आओ मंडल जी कहाँ गाई आज कल, एक गाना गा के वायरल हो गया उसका वीडियो, दूसरे सारे बॉलीवुड वाले लता जी की आवाज़, लता जी की आवाज़, लता जी की आवाज़, लता मुझे सब फील करती गहना था बहुत कुछ। फिर एक रेडियो शो में जैकी श्रॉफ जी के लड़के पैर छूते हैं, प्लस भाषा जी उनके लता मंगेशकर का ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम करवाते हैं। हर एपिसोड में एक ही बात की लता मंगेशकर जी की, लता छोटी छोटी लता है, छोटी लता है ये, वो लता जी कहाँ है आज के दिन, कहाँ है वो आज लता। कोई भी छुटपुटे सीन में कोई भी लड़की छोटी लड़की आज अच्छा से गाना गा देगी, ये लता छोटी लता है, लता जी को फेल करने वाली है, लता सीनियर इनको लता इससे कंपेरिजन होता है। वाह क्या मतलब है ये, क्या मतलब क्या है आज के दिन में आप लता जी से लेजेंड को एक छुटपुटिया सिंगर से कंपेयर करते हो, शर्म नहीं आती है। चाहे वो कोई भी बॉलीवुड आर्टिस्ट हो, चाहे कोई बॉलीवुड आर्टिस्ट हो, मैंने ये चीज़ देख ली है। कहाँ है छुटपुटिया सिंगर आज के दिन में, फटाक से जो भी आ रहा सिंगर लता जी की आवाज़ है, लता जी की आवाज़ है। अरे अगर बॉलीवुड के आज जितना बॉलीवुड के एक्टिव सिंगर्स है ना, सभी मिल के सबके गाना जोड़ के मिलाया जाए तो भी लता जी को रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। जो नहीं रही उसको श्रद्धांजलि देने की, उसको श्रद्धांजलि देना चाहिए तो नहीं, कोई भी आएगा चटनिया आचार्य सिंगर लता जी है। अरे हो क्या रहे आज, जब कोई भी एक्ट्रेस को आओगे, कोई भी राजस्थान एक्ट्रेस को सीधा शाहरुख खान से कंपेयर करोगे तो खराब बात है कि नहीं है। सलमान खान से कंपेयर करोगे खराब बात है या नहीं है, अमिताभ जी से कंपेयर करोगे तो खराब बात है या नहीं है। तो कोई भी सारे गाँव में पाधानी से गा दिया आप सीधा बोले लता की छोटी बहन है। बॉलीवुड वाले थोड़ा सा समझ जाओ, थोड़ा कुछ तो समझा करो, आपकी भी जिम्मेवारी है। आपको जो लेजेंड नहीं रही उसको श्रद्धांजलि देना चाहिए आप लोगों को, ना कि कोई भी आ जाए तो उसे उसके साथ कंपेयर करना चाहिए। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बॉलीवुड वाले, ये बात थोड़ा आप समझो, थोड़ा समझा करो फिर बोला करो। अरे नहीं बोल पाते तो चुप रहा करो, मुँह सील के रहा करो, नहीं सिया जाता मुँह तो घर से मत निकला करो। कहाँ कहाँ से आ जाते लता मंगेशकर जी से कंपेयर करेंगे अपने ठीक थोड़ा।